मैजिकल मनी विलेज। नदीमपुर नाम के गांव में मीरा नाम की औरत और उनका देवर सदानंद नाम का आदमी एक घर में रहते थे। एक दिन सदानंद मीरा से, मेरा बचपन से देख रहा हूँ, भैया नहीं दिखाई देते हैं, कहाँ चले गए हैं भाभी? क्या बोलू, तुम्हारे भैया को ना देखे हुए 14 साल हो गए हैं। तुम्हारे भैया को अच्छा सा बैंक का नौकरी था, मगर वो बहुत खर्च करने वाले आदमी थे। इसके वजह से बहुत कर्ज में थे। पत्ते खेलना और पीना शुरू करने की वजह से बहुत खर्च हुआ। आखिर में बैंक का पैसा भी इस्तेमाल किए कहकर सुना, हमारे गांव के बाहर एक गुफा के उस तरफ के गांव में जाऊंगा कहे थे। तब से अभी तक उस गांव के बारे में तो बहुत सुना है, मगर देखने वाला कोई भी नहीं है कहकर सुना है। वैसे गए हुए तुम्हारे भैया अभी तक वापस नहीं आए। अच्छा, ऐसा है क्या भाभी? तो आप दुखी मत होइए, मैं हूँ ना, जल्दी ही हम भैया को देखेंगे। फिर सदानंद उस गांव में एक बूढ़े आदमी के पास जाकर, सुनिए जी, आपको इस गांव के बाहर गुफा के बारे में जो भी पता है ना, वो बताइए, मुझे जाना बहुत जरूरी है। अभी उसके बारे में तुम्हें क्यों चाहिए? वहाँ जाना बहुत खतरा है। मेरा भाई वहाँ जाकर अब तक वापस नहीं आया है, उन्हें ढूंढना है, इसलिए मुझे गुफा के बारे में जानकारी चाहिए। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ, सुनो। वो गुफा में अंधेरा ही अंधेरा है। गुफा के अंदर से गया तो गुफा का उस तरफ एक दरवाजा रहता है। उस दरवाजे से उस तरफ गया तो एक गांव है कहकर सुना, मैं भी नहीं देखा। वो गांव तो पूरा जादुई पैसों का गांव है, मैजिकल मनी विलेज। लेकिन उस गांव में जाने वाले अभी तक वापस नहीं आए है कहकर सुना, अब तुम्हारा मर्जी है। इतना समाचार तो दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कहकर उस बूढ़े आदमी को प्रणाम करके चला गया। अगले दिन सदानंद गांव के बाहर उस गुफा के पास गया। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था। दूर से एक छेद से रोशनी दिखाई दिया तो उधर पहुंच गया। बहुत मुश्किल से गुफा के दरवाजे को खोलकर उस तरफ गया। फिर सदानंद उस गांव में पहुंच गया। चारों ओर देखा तो पूरा पैसों से बना हुआ घर, पैसों से बना हुआ बैलगाड़ी, हल, बर्तन, बैग्स, कार्स, सब पैसों से बना हुआ ही था। सदानंद हैरान से देखते हुए चलते चलते उस गांव के बीच एक पेड़ के पास पहुंच गया। वहां पर एक आईना था। थोड़े दूर पर दीवार पर कुछ फोटोज लटके हुए थे। तब सदानंद एक आदमी को रोककर, ये कौन सा गांव है जी, यहाँ तो सब पैसों का माया है, ये आईना यहाँ पर क्यों है? यहाँ नया जैसे लग रहे हो, आगे आगे तुमको ही पता चलेगा, कहकर वहाँ से चला गया। तब सदानंद को प्यास लगा और वहाँ बाजू में एक नल्ला के पास गया तो वहाँ से पैसे आने लगे। तब हैरान होकर सदानंद आईना में देखा तो वहाँ भी पैसों के नोट दिखाई दिए। इतने में आईने से पैसे बाहर गिरे। सदानंद उनको नहीं छुआ और उधर बैठ गया। इतने में उस आईने से एक आवाज, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मुझे कुछ पैसों की जरूरत नहीं है। फिर किस लिए आए हो? मेरे भाई के लिए आया हूँ। इधर कोई नहीं है, इधर सब लोग तो पैसों के लिए ही आते हैं। तुम्हें कितना चाहिए बताओ, उससे 10 गुना मिलेगा। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरा भैया चाहिए। तुम्हारे भैया को पैसों का लालच है, पैसों के लिए इस गांव में आकर फोटो बन गया। दीवार में उन फोटो में तुम्हारे भाई का फोटो देखकर खुश हो जाओ। तुम्हें कितना पैसा चाहिए उतना लेके जाओ। तब सदानंद को एक बात समझ में आया, दीवार पर लटका हुआ फोटोस में से उसका भाई का फोटो को पहचाना और बहुत दुखी हुआ। मुझे सिर्फ मेरा भैया चाहिए, भैया के बिना ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। तब आईना बहुत खुश हुई और, आज तक पैसा नहीं चाहिए कहने वाला खाली मैंने तुमको ही देखा है। तुम्हारे भैया के ऊपर तुम्हारा प्यार तो बढ़िया है, ये लो तुम्हारे भाई को ले जाओ। तब उधर रोशनी आकर विनय प्रकट हुआ, 3 पैसों का पेटी भी प्रकट हुए। इन पैसों से आपका परिवार खुशी से रहना। पैसों के पेटी से विनय और सदानंद घर वापस पहुंचे। मीरा उनको देखकर बहुत खुश हुई। तब से वे सब खुशी से जीने लगे।